हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल अमित मुरारी ऑटो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज बिल्कुल एक नया वीडियो लाया हूँ, बुलेट की वायरिंग क्यों जल जाती है या क्यों शॉर्ट हो जाती है। तो दोस्तों, ये देखिए, एक बाइक की वायरिंग बिल्कुल जल चुकी है। देखिए, इसकी तारें सारी आपस में जल जल के चिपक गई हैं। तो इसका दोस्तों क्या कारण हो सकता है, इसका मैं सबसे पहले आपको कारण बताता हूँ। देखिए किस तरह इसकी तारें जल गई हैं और आपस में इसकी तारें किस तरह जल जाती हैं और किस तरह चिपक जाती हैं, ये आपको बताता हूँ मैं अभी। ये देखिए किस तरह जल के आपस में चिपक गए। तो दोस्तों, इसमें तार के हम जोड़ डालेंगे तो भी ये चलेंगी नहीं, तार के हम इसमें जोड़ भी डालेंगे तो भी ये वायर चलेगी नहीं, क्योंकि अंदर तक ये मेल्ट हो गई है वायर। ये देखिए मेल्ट हो चुकी है। तो दोस्तों, इसका क्या रीज़न होता है, इसका रीज़न होता है कि आप फ्यूज़ को डायरेक्ट करते हो और जो अपनी शॉर्ट वायरिंग होती है उसको कहीं से चेक नहीं करवाते या रिपेयर नहीं कराते, और आप कोशिश करते हो कि इसको खुद ठीक करने के लिए उसको फ्यूज़ लगाने के बजाय इसको डायरेक्ट करते हो। तो दोस्तों, इसका ये वायरिंग में पार्ट नंबर इधर लिखा होता है, ये देखिए 5927 जो इसका नंबर है, सेम नंबर की इसमें वायरिंग डालनी पड़ती है। उस यही दिखा के आपको वायरिंग दूसरी मिल सकती है। ये देखिए दोस्तों, इसमें वायरिंग दिखा रहा हूँ मैं कि इसमें वायरिंग ही दूसरी डालनी पड़ेगी। अगर ऐसी सिचुएशन हो जाएगी, सारी तारें चिपक रही हैं, तो इसका एक ही हल है कि हम इसकी पूरी की पूरी वायरिंग ही नहीं भी डालेंगे। दिखाता हूँ दोस्तों, वायरिंग आपको पूरी की पूरी वायरिंग का पूरी पूरा लोम मिलता है या गुच्छा मिलता है पूरा, आगे से लेकर पीछे ले तक वायरिंग हार्नेस। ये दिखाइए, मैंने आपको 1347 रुपये की थी, ये स्टैंडर्ड ओल्ड मॉडल की थी। देखिए दोस्तों, इसमें पूरा गुच्छा होता है, आगे से लेके पीछे तक पूरी वायरिंग है। ऐसे वायरिंग जल जाने की सिचुएशन में हमें ये यही डालनी पड़ेगी। तो दोस्तों, BS6 वाली बाइक में तो बिल्कुल भी आप कट्टा लगवाइए, क्योंकि वो दोस्तों पूरी इलेक्ट्रॉनिक है और कुछ भी सिस्टम होने से वायरिंग जलेगी तो बहुत महंगी होगी और आपका नुकसान भी बहुत होगा। तो जहाँ तक तो हो सके वायरिंग में कट्टा लगने से दीजिए और उस कट लगने से बचाइए। एक्स्ट्रा लाइट वगैरह लगा रहे हैं तो दोस्तों शौक तो पूरा करना है, तो लाइटें टूटे लगानी है तो कोई वायरिंग में कट ना लगवाइए। ये बहुत बहुत रिक्वेस्ट है आपसे, क्योंकि इससे आपकी बाइक को बहुत नुकसान पहुँचता है वायरिंग को, और कहीं से फ्यूज़ उड़ता रहता है, बार बार फ्यूज़ उड़ता है। देखिए फ्यूज़ कहाँ होता है, ये मैं आपको पुरानी गाड़ी के फ्यूज़ दिखा रहा हूँ, नई गाड़ी के दूसरे टाइप के फ्यूज़ होते हैं। फ्यूज़ दोस्तों पुरानी बाइक में भी दे रखे हैं, नई बाइक में भी। पुरानी बाइक के फ्यूज़ कांच के शीशी वाले होते हैं, कुछ इस तरह का फ्यूज़ होता है। देखिए इसको ओपन करके दिखा रहे हैं, ये इस तरह ओपन हो जाता है। देखिए कांच के शीशी वाला एक फ्यूज़ है, ये कांच की एक ट्यूब सी है, इसको बाहर निकाल कर दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, कहीं भी आपकी वायरिंग में कंपनी ने क्या प्रोविज़न दिया है कि कहीं भी आपकी वायरिंग में ये शॉर्ट या शॉर्ट होगी या तार कुछ जलेगी या कहीं वायरिंग में दिक्कत आएगी तो दोस्तों ये फ्यूज़ उड़ जाएगा। देखिए इसमें एक पतला सा तार से का फ्यूज़ है, देखिए पतला तार का फ्यूज़ है इसके अंदर, ये तार टूट जाती है अंदर से, तो समझ लिया कि आपकी वायरिंग का फ्यूज़ उड़ गया है। तो आपको फ्यूज की जगह फ्यूज ही लगाना है दोस्तों, फ्यूज के फ्यूज रिप्लेस करना, इसको डायरेक्ट आपस में तारों को जोड़ने की जरूरत नहीं है। फ्यूज़ हटा के दोनों तारों को हम जोड़ दें तो जहाँ से वायरिंग आपकी शॉर्ट हो रही है वहाँ से आपकी पूरी वायरिंग में ही आग लग सकती है। तो दोस्तों, इसका क्या समाधान बताता हूँ आपको, अगर आपके पास कहीं फ्यूज नहीं मिल रहा आस पास तो आप क्या कर सकते हैं, आपको बताता हूँ दोस्तों। सबसे पहले एक तार का टुकड़ा ले लीजिए, तार का टुकड़ा लेके इसको इसमें को छील लेंगे हम, छील के इसमें से वायरिंग के हम थोड़े बाल निकाल लेंगे। दिखाता हूँ आपको किस तरह, ये दोस्तों ये तार छील लिए, ये देखिए तार छील गए। इसमें हमने गई गलती नहीं करने की पूरी तारें लगा दें, इसमें हमने 2-3 बाल लगाने हैं बस। सबसे बड़ी गलती करते हैं हम कि फ्यूज़ बनाते हैं मोटा फ्यूज़ बना देंगे तो भी आपकी बाइक का सारी वायरिंग जल सकती है, फ्यूज़ नहीं उड़ेगा पूरी वायरिंग जल जाएगी। हमें 3 बाल लिए हैं इसके, इस तो को कुछ काट लेंगे इस तरह, 3-4 बाल को। हमने इसको मोटा फ्यूज़ नहीं बनाना, ये टेम्परेली फ्यूज़ बनाना सिखा रहा हूँ दोस्तों। आपने इसकी जगह नया इसको परमानेंटली लगाना है, ये आपको खाली आपको ही फंस गए फ्यूज़ नहीं मिल रहा है तो इसका इस्तेमाल कीजिए, ये आपका परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। ये देखिए इसको, इस तारों को इस तरह लपेट के आपने क्या करना होता है, एक फ्यूज़ बनाना है। हमने क्या करना है, हमने ये देखिए हमने ऐसे वायर रख के
ये फ्यूज़ निकाल के, ये ऐसे वायर रखनी नीचे, फ्यूज़ निकाल के वायर को नीचे रखना और ऊपर से फ्यूज़ को दबा देना। मैं दिखाता हूँ किस तरह, ये देखिए आपकी वायरिंग इस तरह निकल जाती है। इसको हमने कभी बिल्कुल डायरेक्ट नहीं करना है दोस्तों, ये देखिए मैं दिखा रहा हूँ इसको, अपने दोनों थिम्बलों को ऐसे डायरेक्ट बिल्कुल नहीं करना है, बिल्कुल नहीं कभी भी। और सेम नंबर का ही फ्यूज़ लगाना है, 10 एम्पीयर का फ्यूज़ है तो 10 एम्पीयर का ही फ्यूज़ लगाना। तो देखिए दोस्तों इसको लगा के दिखाता हूँ, ये देखिए इसमें तार फ्यूज़ लगा दिखाता हूँ। यहाँ बाल रखिए थोड़ा सा, ये देखिए बाल रख दिया इस तरह। अभी फ्यूज़ लगाइए इसे और इधर से दूसरी आपका फ्यूज़ की दूसरी तार लगाइए, वायरिंग की दूसरी तार। ये आपका फ्यूज़ तैयार है, परमानेंट टेम्परेरी, ये आपका परमानेंट टेम्परेरी फ्यूज़ तैयार है, तो आपके वायरिंग को जलने से बचा सकता है। कहीं से शॉर्ट हो रहा है तो ये दोबारा तार पिघल जाएगी और आपको वायरिंग को नहीं जलने देगी। तो दोस्तों प्लीज़ इसका इस्तेमाल हो सके तो खाली इमरजेंसी में ही कीजिए, जहाँ तक हो अपना नया फ्यूज़ ही रिप्लेस कराइए या खुद डाल लीजिए। अपनी वायरिंग को चेक कराइए उसके बाद, क्यों उसे शॉर्ट हो रहा है, किसी अच्छे इलेक्ट्रिशियन पे या अपने मैकेनिक पे जाके। तो दोस्तों जहाँ तक वैसे आपको जानकारी वाली वीडियो दूंगा जो आपके बहुत कहीं काम आ सकती है। तो दोस्तों अब मैंने आपको ये डायरेक्ट फ्यूज़ लगाने का मैं आपको दिखा ही चुका हूँ क्या हर्जाना हुआ कि पूरी इन बाइक की वायरिंग जल गई है। तो दोस्तों जहाँ तक हो सके फ्यूज़ का ही इस्तेमाल करना है, और ये वायरिंग जलने का मेन रीज़न यही होता है। अब मैं आपको नए मॉडल का भी फ्यूज़ दिखाता हूँ, नए मॉडल का फ्यूज़ कुछ इस तरह होता है, ये देखिए इस तरह का फ्यूज़ है। तो इसके अंदर हम फ्यूज़ को कैसे रिपेयर करेंगे, इसके बीच के अंदर फ्यूज़ की तार टूट जाती है अंदर से, तो इसको हम कैसे रिपेयर करेंगे। सेम इसमें भी हम एक आधा बाल ही लगाएंगे, देखिए एक बाल लगा के ऐसे मोड़ देंगे इसको, एक साइड इधर और एक साइड इधर, और फिर इसको फ्यूज़ बॉक्स में लगाएंगे। इसमें बहुत मोटी तो वायरिंग लगाएंगे हम, क्योंकि वायरिंग जल सकती है। तो दोस्तों बहुत इजीली बताया मैंने आपको, तो वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिए। अमित मुरारी ऑटो चैनल आपका अपना चैनल है, तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और नए वीडियो के लिए बने रहिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया, ऐसे ही आगे आगे बने रहिए, धन्यवाद।